पूरे दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा पिया जाता है वो है चाय, और जो आप सोच रहे हैं वो दूसरे नंबर पर है। तो क्यों ना हम इसके फायदे और नुकसान को साइंटिफिक तरीके से समझें। ग्रीन टी, ब्लैक टी और दूध वाली चाय में क्या फर्क है तीनों में? तो सबसे पहले देखते हैं ब्लैक टी के बारे में। ब्लैक टी में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं पॉलीफिनोल, जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और वो हमें बीमार होने से बचाता है। और पॉलीफिनोल इन्फ्लेमेशन, मोटापा और डायबिटीज को कम कर देता है। और इसकी दूसरी सबसे बड़ी फायदा ये है कि इसमें फ्लेवोनॉइड्स पाया जाता है जो स्पेसिफिक हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ब्लैक टी वाले तो खुश हो ही रहे हैं, पर दूध पीने वाली चाय निराश ना हो, क्योंकि उनके लिए वीडियो के अंत में इंटरेस्टिंग बात है। और यही फ्लेवोनॉइड्स वेजिटेबल, फ्रूट, रेड वाइन और डार्क चॉकलेट में पाया जाता है। रेड वाइन सुन के आप खुश ना हो, ये ब्लैक टी में भी मिल जाता है। और ब्लैक टी का लास्ट फायदा ये है कि जो इसे रेगुलर पीते हैं, हार्ट अटैक, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। हालांकि ऐसे बिल्कुल नहीं है कि इसे पीने से सिर्फ फायदे होते हैं, इसके काफी सारे नुकसान भी हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को उन तक शेयर जरूर करना जो चाय पीने के आदी हैं। जो भी खाना खाने के बाद चाय पीने के शौकीन होते हैं वो ये बात को समझ लें कि आपके खाने में जो आयरन होता है उसको चाय एब्जॉर्ब होने नहीं देता है, तो भविष्य में आपको कभी भी आयरन की डिफिशियंसी सुनने को मिल सकती है। और इसी की वजह से जो खाना खाने के बाद तुरंत चाय पी देते हैं उनके खून में कमी आ जाती है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि चाय में कैफीन पाया जाता है जो माइंड को अलर्ट करके रखता है, तो ये जागने वालों के लिए ठीक है, लेकिन जो ज्यादा पीते हैं उनको सही समय पर नींद नहीं आती है। और आपने इस बात को जरूर गौर किया होगा कि चाय नहीं मिलने से सर में दर्द हो जाती है और नींद में कमी भी आ जाती है। और जो दूध के चाय पीने के शौकीन है वो ये बात को अच्छी तरह से समझ लें कि दूध को अगर आप अच्छी तरह से नहीं पकाते हैं तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट में कमी आ जाती है जो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और जो दूध को अच्छी तरह से पकाता है वो एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ा देता है जो हमारे लिए फायदेमंद है। और एक दिन में 2 से 3 कप ही चाय पीना चाहिए, बाकी आपके लिए नुकसानी हो सकती है ये। और आप इस वीडियो को उन तक शेयर जरूर करना जो ठंडा आने के नाम पर पानी की तरह चाय पी रहे हैं। और लाइक करने के साथ कमेंट पर जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।